YouTube की पब्लिक टी शर्ट फाड़ के स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो गाइज यार, अभी तुम्हारा भाई जो कि कोर्ट गेट आ रखा है, अभी अपना दोस्त आएगा, फिर अपन चलेंगे उसके घर पे और काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो यार वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और काफ़ी ज़्यादा जो कि यार यहाँ पे भीड़ भी रहती है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यार, फाइनली अपन आ चुके हैं दोस्त के घर पे। तो चलिए अभी अपन को जो कि यार बहुत ही अच्छे अच्छे आपको मैं बर्ड दिखाने वाला हूँ, जो कि यार भाई ने पाल रखे हैं। तो चलिए अभी आपको मैं भाई से भी मिलवाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग। तो यार व्लॉग के पूरे लास्ट तक बने रहना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ में भाई को इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उल्टी टोपी वाला। तो चलिए अभी आपको मेरे भाई से भी मिलवाता हूँ, जिसने यार खूब सारे बर्ड पाल रखे हैं। तो गाइज अभी अपन जो कि यार आपको बर्ड दिखाने वाले हैं, इसका भाई का खुद का पर्सनल रूम है। तो भाई अंदर चलते हैं अपन, चलते हैं। तो गाइज इसका जो कि खजाना आपको दिखा देता हूँ, जो कि इसने भाई ने बर्ड पाल रखे हैं खूब सारे, जो कि यार कमरे के अंदर खुले ही रहते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छे बर्ड पाल रखे हैं, फिर बर्ड पाल रखे हैं घर के अंदर। तो भाई यार पहले तो आपका नाम बता दो। नागेंद्र नारायण गुस्सा। और आपका नाम भैया? आदित्य कल्ला। तो आप ये बर्ड का जो शौक है आपने कब से करा है? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। और आपके पास जो सबसे फर्स्ट बर्ड आपने जो पाला था वो कौन सा है? बजरी। बजरी पाला था, और उसके बाद में पैरेट पाले। तो ये और कुछ बर्ड जो कि गाइस यार इन्होंने रेस्क्यू भी कर रखे हैं, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और जो कि इनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि गाइस वो बर्ड है जो कि उड़ तो सकते नहीं है। तो ये क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, और गाइस इनको कोई भी बर्ड मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, उनको रेस्क्यू करके और उनको बचाते हैं। तो गाइस यार काफ़ी बड़ा टर्टल है, 15 इंची का है, और गाइस इसकी जो कि उम्र आपको बता दूं 15 साल का है ये टर्टल। और गाइस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा मेरे को, और गाइस ये इनके साथ ही रहता है, और यार मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी बताना कमेंट के अंदर। तो भाई यार ये जो इसका पंख है ये टूटा हुआ है, ये क्या कारण से हुआ? ये आकाश इस पे जोर से लपेटा हुआ था, मैं छत पे गिर गया था, इसलिए मैंने इसको रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करके फिर इसको बचा लिया। अब ये उड़ नहीं सकता तो आप इसकी क्या की देखभाल करते हैं? तो गाइज यार ये वैसे आपको कितने साल हो गए इसको रखते हुए? 1.5 साल। 1.5 साल हो चुके हैं। तो गाइज यार आपके भी अगर घर के आसपास कोई भी बर्ड अगर आपको मिले आखा तीज पर, तो उसको आप गाइज यार बचाएं, क्योंकि बर्ड आप बचाएंगे तो गाइज आप क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए गाइज, अगर आपको किसी को भी अगर कोई बर्ड मिल जाता है बीकानेर के अंदर, पैरेट है कबूतर है, तो आप इन भाई को जो कि कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गाइज यार बर्ड बचाते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं अच्छी दोस्ती हो चुकी है। ये देखिए गाइज इसके पंख के अंदर जो कि यार मंजा था वो पूरा जो कि अभी तक इसके सही नहीं हुआ, अभी तक सही नहीं हुआ। तो गाइज ये इनके साथ ही रहता है। और ये वाला जो बर्ड है ये इसके क्या हो गया था? अच्छा आ रहा था तब गली में लोग इकट्ठे हुए थे, तो ये गली में वायर से लपेटा हुआ था, इसकी शॉक लग गया। तब मैंने सोचा कि ये तो जिंदा नहीं रह सकता, पर मैं इसको घर पे लेके आया, दवाई और दी, ये सही हो गया। अभी आपके साथ अभी भी इसके पर नहीं आ रहे, 2 महीने हो गए इनको। 2 महीने हो चुके हैं। ये अच्छा लगा गाइस। और ये वाला जो पैरेट है इसके क्या हो गया था भाई? ये मेरे फ्रेंड के घर पे था, इसके मोल्टिंग की वजह से सारे पर गिर गए, तो उसने मेरे को दिया। अभी ये मेरे पास ये 2-3 साल हो गए। 2-3 सालों से आपके पास ही है। तो गाइज यार ये आप भी ये बर्ड पालें और उनकी मदद करें गाइज। और ये वाला? ये भी मेरी बुआ जी के घर पे था, मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए मैं उनसे लेके आ गया। तो गाइज इसने पैरेट काफ़ी सारे, और ये आपने बजीज की कॉलोनी जो कि बना रखी है। ये मेरे 2 पैर से इतने सारे हो गए हैं, 2 जोड़े से मतलब कि खूब सारे हो गए। अभी आपके पास लगभग कितने बजीज है? 15 पैर। 15 पैर। तो इसमें से कोई ट्रेंड भी बजीज है क्या आपके पास? हाँ है। दिखाओ तो। ये देखो। तो गाइस अब इसको अपन लेते हैं हाथ में। आजा। ये देखो मैं लेता हूँ। आजा। आजा आजा। तो गाइस ये देखिए यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये बजीज बर्ड, जो कि गाइस इसके पास सारी पैरेट की ब्रीड है। ये भी आपको पता ही है सबसे छोटा पैरेट है, ऑस्ट्रेलियन पैरेट भी कहते हैं इसे। और गाइस इसके पीछे जो कि ये देखिए टुई पैरेट बैठा है आराम से,
तो गाइस सारे बर्ड है जो कि इसके साथ जो कि अच्छे से रहते हैं और अच्छे से ये भाई जो कि देखभाल भी करता है बर्ड की। और साथ में गाइस ये देखिए ये रहा गाइस खूब सारे पैरेट जो कि भाई ने पाल रखे हैं। और वो भी देखिए गाइस वहाँ पे ये एक यहाँ पे बैठा है। ये आपके पास कितने साल से वैसे? ये 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए, साल भर भी नहीं हुआ। तो गाइज यार भाई के पास जो कि यार बर्ड काफ़ी सारे रेस्क्यू कर रखे हैं। और गाइज और बाकी के जो कि आपने यहाँ पे कॉकटेल बर्ड भी पाल रखे हैं, तो गाइज यार कॉकटेल बर्ड भी भाई ने पाल रखे हैं काफ़ी अच्छे। और ये टेम भी है, तो एक बार आप निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाओ, तो गाइज यार सारे बर्ड जो कि भाई ने ट्रेंड कर रखे हैं ये देखिए गाइज। ये देखिए गाइज सारे के सारे आराम से उड़ रहे हैं ऊपर, आप किसी भी देख सकते हैं। ये देखिए नीचे भी बैठे हैं। और ये जो है भाई आपने लवबर्ड पाल रखे हैं इसके अंदर है ना, तो इसमें ब्रीडिंग। तो गाइस यार फाइनली आपको बजीज नज़र आ रही है जो कि यार बहुत ही अच्छे से भाई ने ट्रेंड कर रखी है। गाइस वो चली गई, अपन आपको जो कि मैं पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस काफ़ी प्यारी है और काफ़ी अच्छी लगी मेरे को तो गाइस ये बर्ड। और गाइस बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं ये बर्ड। ये देखिए गाइस ये वापस जाकर बैठ चुकी है वहाँ पर। और गाइस मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि देख सकते हैं गाइस पहाड़ी पैरेट पाला हुआ है भाई ने। और ये देख सकते हैं गाइस उस भाई के ऊपर भी जो कि कंधे पर पैरेट बैठ रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को गाइस। और गाइस यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी अपन और भी चलेंगे आगे क्योंकि आपको और भी बर्ड दिखाएंगे। ये देखिए गाइस कुत्ता प्यारा लग रहा है। ये देखिए गाइस यार हरकतें पैरेट की, खुजली करवा रहा है ये। तो गाइस यार साथ में लव बर्ड भी भाई ने जो कि पाल रखे हैं और साथ में उनकी ब्रीड लेंगे भाई। तो यार मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे लव बर्ड। तो गाइस यार आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गाइस यार आपको भी अच्छा लगा होगा और गाइस यार मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो आपने भी अगर बर्ड पाल रखे हैं तो नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कौन सा बर्ड पाला हुआ है और आपका सबसे फेवरेट बर्ड कौन सा है, ये ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। तो गाइस यार मिलता हूँ एक बहुत ही जल्द नई वीडियो में। और गाइस यार भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना उल्टी टोपी वाला, और चैनल पर अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, घंटी का बटन जरूर दबा देना। तो चलिए गाइस जय हिंद, धन्यवाद।